कोई जरूरी नहीं कि कर्नाटक में जीत गया तो सारा हिंदुस्तान जीत गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं। 150 करोड़ जो जनता है, कहाँ से किसको रोजगार दिया जाएगा? आपसे परिणाम अच्छे नहीं आएंगे, और लोगों से जान लेते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है, क्या लगता है सर जी, लोकतंत्र खतरे में? इसके बारे में नो कमेंट्स को, कुछ नहीं। मतलब आज की वर्तमान समय की पार्टियों के लिए कुछ बोलने लायक रही नहीं क्या? हम लोगों के पास बहुत है, जिसे सुनना है उसे बुलाओ, आपको नहीं सुनाना, जिसने इसका हल निकालना उसको बिठाओ, फिर बात करेंगे। क्या लगता है? अरे हल तो हम ही लोग पहुंचाएंगे वहां तक, आपके सवाल ही तो हम लोग पहुंचाते हैं, जो आपके क्वेश्चन रहते हैं, फिर भी मतदान करते हैं? बिल्कुल करते। तो क्या लगता है इस बार कोई दिख रहा है ऐसा पार्टी की वाकई मतदान लायक हो? फिलहाल तो कोई भी नहीं है, जो बैठा हुआ वही है बस, अभी तो फिलहाल वही है अभी तो। लेकिन राहुल गांधी लगातार विदेश जाते हैं, कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। देश के जो जनता है उसको क्या लगता है? जो वो बोल रहा है वो उसी हिसाब से उसको लग रहा है, पर और क्या चीज़ है जो उसकी सोच है? आम जनता को नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, इनके हिसाब से लोकतंत्र खतरे में नहीं है। आप राहुल गांधी कौन है इस देश का? वो इतनी बड़ी बात करते हैं लोकतंत्र खतरे में है, क्या है वो, कौन है बताओ आप बताओ। आपको पूछ रहा हूँ कौन है राहुल गांधी, कौन पूछता है उसको? ना चलना आता है, ना उठना आता है, ना बैठना आता है, क्या है वो, क्या है उसको एक्सपीरियंस है किसी देश का? कर्नाटक की जीत के बाद तो बड़े। अरे छोड़ो, जीत हार तो एक अलग टॉपिक है, जीत हार एक अलग टॉपिक है, हार गए जीत गए कि ठीक है। आप राहुल गांधी की बात करें, कोई जरूरी नहीं कि कर्नाटक में जीत गया तो सारा हिंदुस्तान जीत गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। क्या लगता है 2024 में देखा जाएगा, अभी तो काफी टाइम बचा हुआ है। कल जी बता रहे थे कि वर्तमान सरकार ने कोई काम नहीं किया, आपको लगता है? अरे जिसको जितना नॉलेज है उतना जवाब देगा ना। आपको क्या लगता है मोदी सरकार में काम नहीं हुआ? सारे दुनिया में उसका हाहाकार बन रहा है, इन कीड़े मकोड़ों को क्या पता इसके बारे में कुछ है? आप बताओ, इनको अपना ठिकाना नहीं पता, देश के बारे में क्या बोलेंगे? इनको अपना ठिकाना नहीं, ये कहाँ खड़े देखो, बात आए रोजगार की, इनको रोजगार क्यों नहीं? कुछ करे कब, कुछ काम करे तब तो। 150 करोड़ जो जनता है, कहाँ से किसको रोजगार दिया जाएगा बता? डंकल समझौता आया था हिंदुस्तान में निजीकरण का, कौन सा, नरसिम्हा राव था ना, नरसिम्हा राव ने डंकल समझौता लाया था, इकोनॉमी था अमेरिका का, और निजीकरण, और निजीकरण वो आया किसके, मोरारजी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे बाहर, उस टाइम 200 करोड़ का रेवेन्यू जा रहा है ना उसको अभी भी। तो ये निजीकरण हुआ, इस निजीकरण इसलिए हुआ कि गवर्नमेंट ने पर कोई काम करने के लिए राजी नहीं है। गवर्नमेंट ने पर आदमी नौकरी मिले कोई काम करेगा? कोई नहीं करता है। और प्राइवेट में भी आदमी देखो, एक तनखे के अंदर 3 आदमी काम कर रहे हैं, 12-12, 14-14 घंटा। नोटबंदी को भी एक समय बड़ा मुद्दा बनाया गया था, आपको क्या लगता? नहीं नहीं, नोटबंदी अपने हिसाब से सही है। राहुल गांधी की तरफ से चाय पी लो, आप चाय पी लो, पी लो चाय पे चर्चा। नोटबंदी देखो, नोटबंदी एक इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसके बारे में हम नहीं बोल सकते हैं। कुछ ये सुनने में आया कि भाई चाइना और पाकिस्तान ने डुप्लीकेट नोटें छपी थी, इंडिया में आ गए, रातों रात फैसला लेना पड़ गया उनको, कोई ऐसा मॉडल था, और ब्लैक मनी बाहर निकालने के लिए नोटबंदी कर लिया, वो ठीक ही किया है, कोई गलत थोड़ा किया है, कोई नहीं गलत किया। अभी भी 2000 के नोट बंद कर रहे हैं मार्केट के अंदर से, वो भी सही है, वो भी गलत नहीं, गलत नहीं ना, सब ठीक है। 2024 में आएगा, यही आना चाहिए। और कौन है, क्या लगता है किसकी बारी है? 500 नोट की, 500 नोट की बंद होने की। फिर कौन सा चलाएंगे? 1000 का चलाएंगे, 1000 का चलाएंगे, 1000 का तो अभी बंदी करवाया, 350 का चला रहे कि अभी ऐसा ही करेंगे, और क्या करना है ना, कोई काम नहीं, और कोई काम नहीं दिखता। राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र खतरे में विदेश जाके, आपको क्या? सही बात है, खतरे में ही लोकतंत्र, क्या खतरे में दिखता है? अब देखिए ये अर्थव्यवस्था बेकार हो रही है, मैं चाय पी रहा। अर्थव्यवस्था तो 5वें नंबर पे आ गई, पायदान पे आ गई दुनिया में। अरे झूठ बोलते हैं सब, कहने की बात है। तो देखिए लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ का तो कहना था कि जो वर्तमान में सत्ता है, केंद्र सरकार जो काम कर रही है वो बेहतर कर रही है, लेकिन बहुतों का वाकई ये बात कहनी है कि लोकतंत्र खतरे में। इन तमाम मुद्दों का अगर नतीजों की बात करें तो 2024 में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर, मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।